माध्यम सामाजिक संस्था द्वारा एपिक इवेंट के सहयोग से मदर्स डे सेलिब्रेशन 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अर्चना सिंह सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर आशा ज्योति केंद्र लखनऊ के अलावा कई विशिष्ट जन शामिल हुए। कार्यक्रम सभी माओं को समर्पित था। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा थीम डांस, जिसमें महिलाओं को घर के कार्य करते हुए डांस करना था। इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और बाद में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। आयोजिका हेमा खत्री द्वारा शून्य से शिखर तक पहुंची 5 महिलाओं को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। आज एक एपिक इवेंट की तरफ से आपने मदर्स डे सेलिब्रेशन रखा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ मैम, एक्चुअली मदर्स डे है यानी कि माँ का दिन, माँ के लिए सेलिब्रेशन रखना सिर्फ उनको एक ये एहसास दिलाने के लिए कि हम सब उनके लिए खास हैं, वो हमारे लिए खास हैं। तो ये सेलिब्रेशन इसीलिए कि हर महिला जो माँ है वो अपने आप को सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, अपना काम करते हुए अपने आप को सबसे पीछे रखती है, तो उसके चेहरे पे खुशी लाना एक जाहिर सी बात है। उसी के लिए हमने एक सेलिब्रेशन यहाँ रखा है कि जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आए और फुल डे स्पेंड करें, अपने बच्चे भी उनके साथ में हैं तो बच्चे भी अपना प्यार व्यक्त कर रहे हैं, कोई डांस कर रही, कोई गाना गा रही, कोई पोएम कर रही, जैसे छोटी सी बच्ची पार्टी ग्रोवर ने बहुत प्यारी माँ के लिए कविता सुनाई। तो ये एक हमारा सेलिब्रेशन है कि 3-4 घंटे पूरा उत्साह मने एक सेलिब्रेशन बने। कितनी महिलाएं इस प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट कर रही हैं? जैसे मैं फिर कहूँगी कि एपिक इवेंट्स हमेशा माता सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एक ग्रैंड इवेंट करते हैं, बट ये इवेंट एक सेलिब्रेशन है तो हमने लिमिटेड 30 एंट्रीज रखी है और 30 एंट्रीज रखने का रीजन ये कि हम सबको समय दे पाए। 3 से 3.5 घंटे अगर कुछ हमारे साथ है तो हम पूरा समय दे पाए, उनको कुछ महसूस करा पाए कि आप खास। किस किस तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है इसमें आज के इवेंट में? बच्चों का डांस है, मॉम्स का डांस है, मॉम और बच्चों का ड्यूट भी है, साथ में ग्रुप डांस भी है, बहुत सारी गेम्स हैं। जो गेम्स में विनर बनेंगे उन सब के लिए हमारे पास सरप्राइज है, रिटर्न गिफ्ट सभी के लिए है, सभी के लिए। मदर डे से पहले आज का ये सेलिब्रेशन है? जी जी, एक्चुअली हम हमेशा प्री मदर्स डे करते हैं, क्योंकि 8 को होगा तो वो एक तो मुझे लगता है फैमिली के साथ वो दिन अगर हम बिताएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 8 मई को सब लोग, सभी माएँ अपने बच्चों के साथ इंजॉय करेंगी, मस्ती करेंगी, और हमेशा हमने प्री सेलिब्रेट किया है, इवेंट हमेशा प्री करता है, तो ये भी एक प्री सेलिब्रेशन एक उत्साह है। किसी तरह कोई मैसेज मदर्स डे देना चाहेंगे आप? मदर्स को मैसेज देने से पहले मैं एक बार बताऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी रखा है, उसका टॉपिक भी मॉम है, और हमें अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से उसमें बच्चे भी रखे हैं जिनके लिए भी गिफ्ट्स हैं। और अब जैसा आप कहते हैं माँ के लिए संदेश, तो मैं बस यही कहूँगी कि एक माँ ही है जो ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना सुबह देखती है, ना शाम देखती है, और चाहे उसका बेटा, उसका बच्चा, उसकी बेटी जितनी भी बड़ी हो जाए उसके लिए वो हमेशा छोटा ही होता है। और अपने अपने तकलीफ को शायद ना बताए कि हमारी वजह से किसी को परेशानी होगी तो पीछे रखती हैं। तो मैं यही कहूँगी हर माँ से कि आपको धन्यवाद, आपको सैल्यूट, और माँ क्या होती है वो माँ बनने के बाद पता चलता है कि माँ क्या चीज़ है। तो मैं सबको नमन करूँगी दिल से, और साथ ही सभी माओं के साथ धरती माँ को भी मैं प्रणाम करूँगी। एक 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 सवाल और है कि आज के जनरेशन में नई जनरेशन जो बच्चे आ रहे हैं जो अपने माँ बाप को वो नहीं दे पा रहे हैं जो पहले के ज़माने में लोग देते थे, बिल्कुल तो क्या क्या चाहेंगे, कहना चाहेंगे नई जनरेशन? कहना चाहेंगे कि मैं बच्चों से तो हमेशा, चूंकि मैं एक स्कूल भी चलाती हूँ, स्कूल प्रिंसिपल भी हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को तो एक मिट्टी का ढांचा ही समझती हूँ, जैसे कुम्हार मिट्टी को जैसा भी कर दे। तो मैं आज फिर एक माता पिता के लिए संदेश दूंगी कि जब हमारा अगर समय था तो हम लोग अपने माता पिता की इज्जत करते थे, आज के बच्चे करते हैं और शायद बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता का भी वो रवैया चेंज हो चुका है बच्चों के लिए। लेके आज हम लोग, हमारे टाइम पे हमें लगता था अगर हमें डांट पड़ रही, मार पड़ रही तो हमारे भले के लिए, लेकिन आज बच्चे इतने सॉफिस्टिकेटेड हैं, इतने अपने आप को लेके इतने भावुक हो जाते हैं कि वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, और फिर वही लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, तो कुछ भी मिस अपनी ना हो, उनकी सारी गलतियों को माफ़ करता रहता है, और वो प्यार दुलार इतना ज़्यादा मिलता है कि फिर बच्चों में वो रिस्पेक्ट थोड़ा सा नहीं होता है, हटता जाता है, प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक। I'm not afraid.
आज क्या बना रहे हो? मम्मी, ओके, मम्मी के लिए बना रहे हो। बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या है? निशानी। क्या बना रहे हो आप पेंटिंग में? क्या बना रहे हो? मॉम की पेंटिंग बना रहे हो? कल देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।